दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में बाइक फ्रेंड योर राइडर। दोस्तों आज बताने वाला हूँ व्हाट इज़ ABS, CBS और SBS। भाई बताना बहुत ज़रूरी है, आजकल यही चल रहा है ज़्यादातर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दोस्तों जो भी मेरा चैनल अभी नया देख रहा है भाई, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर 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 करे भाई। तो मैं चाहता हूँ मेरे चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर हो जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं ABS से। ABS होता क्या है? ABS होता है हमारा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जिसे दोस्तों ABS कहते हैं। ABS जो अब जो हमारे 2018 से जो 200 cc के ऊपर की बाइक हैं, कुछ 200 cc से नीचे भी हैं, जैसे अपाची 180, उसमें ABS आता है डुअल चैनल, वो भी ABS। अब जो हमारी ज़्यादातर जो 200 cc से ऊपर जो बाइक आ रही हैं, जैसे आप ड्यूक ले लें या जो भी 200 cc से जैसे कंपनी अदर कंपनी है, बजाज TVS वगैरह जो भी कंपनी है, उन सब में ABS आ रहा है। अब ABS का काम क्या होता है भाई? ABS का काम होता है कि बाइक की कंट्रोलिंग जो होती है वो बहुत बढ़िया हो जाती है। वो आपका जो फ्रंट व्हील जो होता है वो लॉक नहीं होता, इसके कारण बाइक ज़्यादा लपकती नहीं है। ग्रिप जो होती है, ग्रिप अच्छी बनी रहती है, इसे कहते हैं ABS। ABS हम समझाऊंगा पूरा कि ABS होता भी क्या है। ABS में अभी आप में वीडियो के अभी एक इमेज आई है, उसमें रिंग बनी होगी, उसे कहते हैं ABS की रिंग। जैसे डुअल चैनल कहते हैं, डुअल चैनल सिंगल चैनल होता है, जिसमें डुअल चैनल होता है, उसमें रिम जो आई है भी उसको देखना है, उसके मैं बताऊँगा आपको भी। आप तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा वो इमेज जो मैंने दिखाई थी आपको, वो तो हो गया ABS की रिंग। अब ABS काम कैसे करता है दोस्तों, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, और अभी एनिमेशन में भी आपको दिखाऊंगा सीमे में कि कैसे काम करता है। चलो दोस्तों वो भी देखो। चलिए दोस्तों बताता हूँ आपको कि ये बाइक जा रही है रेड कलर की, विदाउट ABS है। विदाउट ABS में यहाँ से ये कार आ रही है। अब ये बाइक की कंट्रोलर देखना, अभी विदाउट ABS है, विदाउट ABS। जो देखिए दोस्तों विदाउट ABS लिखा भी आ रहा है आप पे, और ये कंट्रोल नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर कार इतनी दूरी से आ रही है तो आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी स्पीड 100 से 120 है तो। और ये विद ABS 120 की स्पीड में ये कंट्रोल हो गई दोस्तों, जैसे आपने देखा इसमें ऊपर देख रहे हैं आप, विदाउट ABS नहीं कंट्रोल हुई। 30 मीटर की दूरी है बिल्कुल, ये विद ABS 30 मीटर की दूरी में आप जैसे देख रहे हैं दोस्तों, कंट्रोलिंग बहुत बढ़िया हुई है। 3 मीटर दूरी है अभी भी ABS में दोस्तों। जैसा कि आप इस ब्लू कलर की बाइक को देख रहे हैं, इसमें ABS है। ABS क्या काम करता है? ABS से आप देख रहे हैं गाड़ी आ रही है, इसका जो व्हील है वो लॉक नहीं होगा, 120 या 100 की स्पीड पर है, वो व्हील लॉक नहीं होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों बाइक बिल्कुल बुरी तरीके से कंट्रोल हो गई। अब ये जो बाइक आ रही है विदाउट ABS है, अब इसमें इसका व्हील लॉक हो जाएगा, देखना दोस्तों अभी आप जैसे 100 या 120 लगेगा, उसका व्हील लॉक होके आप कंट्रोलिंग खो देंगे। देखिए दोस्तों दोस्तों हमेशा इसका जो मैकेनिज्म देख रहे हैं आप, जैसे इसका जो मॉनिटर लगा होता है, इस मॉनिटर से स्पीड के हिसाब से ABS लगते हैं हमेशा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप ABS के बारे में समझ गए होंगे, और चलिए अब मैं बताता हूँ आपको CBS के बारे में। CBS क्या होता है भाई? CBS का मतलब होता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भाई किस में आता है, तो भाई मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको सबसे पहले होंडा एक्टिवा में आपको CBS मिलेगा। सबसे पहले होंडा की एक्टिवा में नहीं, होंडा की ज़्यादातर जितनी भी गाड़ी हैं सब वहाँ पर CBS मिल जाएगा। इससे होता क्या है, जब भी आप लेफ्ट साइड का जब लेवर दबाते हैं, प्रेस करते हैं, मतलब कहने का ये है प्रेस करते हैं, तो आपके आगे का व्हील और पीछे के व्हील के ब्रेक दोनों साथ में लगते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों CBS। अब CBS भाई कह रहे डिस्क ब्रेक, बट डिस्क ब्रेक में भी होते हैं, होंडा की हॉर्नेट आती है 160, उसमें भी आते हैं भाई CBS। और CBS भी इसी प्रकार काम करते हैं दोस्तों, ज्यादा लोगों में पता होगा CBS, एक्टिवा होगी उन्हें पता होगा CBS के बारे में। अब चलिए दोस्तों बताता हूँ अब SBS के बारे में, अभी बताता हूँ दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ आपको SBS के बारे में। अब SBS की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, तो SBS की फुल फॉर्म बताता हूँ, सिंक ब्रेकिंग सिस्टम। CBS और SBS में कोई अंतर नहीं है, दोनों काम एक ही करते हैं, बस नाम जो है वो नाम अलग कर दे, वो TVS में आते हैं तो बस वो नाम अलग कर दिया और कोई अंतर नहीं है। अब ये जो SBS है वो आता है आपका बाइक में सिर्फ, TVS की रेडियो पर कोई बाइक है उसमें आते हैं ज़्यादातर, उसी में ही दिया है, उस सब में मुझे लगता नहीं है कोई फ़ायदा है या नहीं है, क्योंकि स्कूटी में छोटे पहिए होते हैं तो उसी के लिए CBS होना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। दोस्तों मेरा चैनल जरूर 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 सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा चैनल नया है, मुझे 1,000 सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं।